कठुआ जिला के पंचायतों में चौथे चरण के मतदान तक पंचायती चुनावों की खबरें 100% मतदान के साथ आ रही थी, लेकिन बसोली विधानसभा क्षेत्र के अधीन पड़ती जानू पंचायत में चुनाव में हुई गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। जानू पंचायत में सरपंच और पंच पद के लिए खड़े उम्मीदवारों ने आरओ और एआरओ पर चुनाव में गड़बड़ी करवाने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते आज बसोली में एडिशनल डीसी कार्यालय के सामने सरपंचों और पंचों समेत उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर रोष जताया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल डीसी के कार्यालय में मौजूद न होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार से अपील की, जब तक ये मामला नहीं सुलझता तब तक जीत हासिल कर चुके सरपंच और पंच को सर्टिफिकेट जारी न किए जाएं। सर, हमारी इनसे ये गुजारिश है कि जब तक हमारा ये मामला बिल्कुल क्लियर न हो तब तक किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। जिसके चलते कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने सरपंचों पंचों को आश्वासन दिया कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंसार अली है जी। जी, मैं वार्ड नंबर 4 से पंच के लिए इलेक्शन लड़ रहा था और तकरीबन 24 तारीख को मैंने रिटर्निंग अफसर को रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, जिसकी उन्होंने रसीद भी की, और उसके बाद 25 तारीख को भी मैंने उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन दी है कि मेरी रिकाउंटिंग की जाए, और मुझे शक है कि जो रिजेक्टेड वोट है वो दूसरे कैंडिडेट को डाल दिए गए हैं, क्योंकि मुझे पहले जो है मुझे जो था विनर करार दिया गया, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है दूसरे कैंडिडेट को विनर किया गया, और मैंने उसी वक्त उनको एप्लीकेशन दी थी। और एडीसी साहब के पास भी हम यहाँ आए थे, हमने प्रोटेस्ट किया था 25 तारीख को, और एडीसी साहब ने जो एप्लीकेशन हमारी थी वो तहसीलदार साहब को रिमूव की थी, और उन्होंने कहा कि मेरे पास पावरें नहीं हैं, और ये जो पावरें हैं ये डीसी कठुआ के पास है। कल मैं फिर डीसी कठुआ से भी मिला, उन्होंने फ़ोन के ज़रिए से एडीसी बसोली को एक ऑर्डर कापी मुझे दी है, जो एसआरओ 525 के तहत जो है एडिशनल डीसी के पास ये पावरें हैं कि वो जो है रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, एडिशनल डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी रिकाउंटिंग की जाए, अगर वो रिकाउंटिंग नहीं कीते तो हम जो है प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे, क्योंकि अगर इसके लिए अगर वो रिकाउंटिंग नहीं करते हैं, अगर इसकी कोई नुकसानदेही हुई तो इसकी जिम्मेवार जो होंगे एडमिनिस्ट्रेशन बसोली वाले होंगे जी। आज क्या बोलोगे आपको यहाँ पे? अभी हम तहसीलदार साहब के पास गए थे, एडिशनल डीसी साहब तो है नहीं यहाँ, हम यही गुजारिश करेंगे एडिशनल डीसी साहब से कि हमारी जो है रिकाउंटिंग की जाए, जल्दी से जल्दी रिकाउंटिंग की जाए। उसके लिए उनके पास ऑथराइज है, गवर्नमेंट ने 22 तारीख को जो है एक मेमोरेंडम निकाला गया है, और जो रिटर्न मेरे पास पड़ा हुआ है जिसकी कॉपी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो एडिशनल डीसी कठुआ ने मुझे दी है कल, ये कॉपी दी है एडिशनल डीसी साहब ने कि भाई जो इसकी जो है ये ऑर्डर कॉपी है, इसका एडिशनल डीसी साहब को अख्तियारात है, वो रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि लोगों को सेटिस्फाई करें, हमें भी सेटिस्फाई करें, हमें शक है कि जो रिजेक्टेड वोट है दूसरे कैंडिडेट को डाले गए हैं, ताकि लोग और मैं सेटिस्फाई हो सकूं। सर, हमारे जो मैं सरपंच कैंडिडेट हूँ शिला देवी जानू से, हमारे वार्ड नंबर 2 में जो है वहाँ उन्होंने स्टैंप नहीं रखी थी, और मेरे ना कोई 15 वोट जो है अंगूठे वाले किए उन्होंने, वो उन्होंने मेरे गुजारिश है कि वो कंसीडर किए जाए, क्योंकि वो प्रोसाइडिंग अफसर की ड्यूटी थी उधर की, उधर उनको मोर लगा के दें पैड उन्होंने उधर अंदर रखा था, तो कितने सारे बोर्ड जो ख़राब हो गए, अभी वो उनको कंसीडर किया जाए, मेरी यही मांग है। मैम, जो मसला था कहाँ से शुरू हुआ था और आपने अधिकारियों को भी अवगत कराया, उसके बाद क्या हुआ? सर, कोई अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, हम इधर एडिशन डीसी साहब के पास आए, आज ये है ही नहीं इधर, तो अगर हमारा ये मसला अभी तक नहीं पूरा हुआ तो हमने आगे भी जारी रखना है, और हमारी जनता नहीं मान रही है, हमने रोड भी जाम करना है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे और ये प्रोसेस जारी रखेंगे। तहसीलदार के द्वारा क्या बोला गया आपको? उन्होंने बोला कि आपकी ये कार्रवाई होगी, उन्होंने दी एप्लीकेशन, अभी तक 5-6 दिन हो गया, अभी कभी कुछ रिजल्ट नहीं आया उसका। ये जो 2 कैंडिडेट हैं, एक सरपंच कैंडिडेट थे श्रीमती शीला देवी जी पंचायत जानू, और एक अंसार अली जी पंच कैंडिडेट वार्ड नंबर 4 जानू हैं, तो इन्होंने
आज अपनी एप्लीकेशन दिए हैं कि इनकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो इनकी जो भी इसमें डिमांड्स हैं, जो भी इनके इशू हैं, वो इन्होंने एप्लीकेशन में मेंशन करे हैं। और प्रायर टू दिस भी इन्होंने एक एप्लीकेशन दो दिन पहले भी दी है, वो इनके हमने स्टेटमेंट लेके, तो जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब बसोड़ी को हमने सबमिट कर दिए। तो आज वाले भी जो इनका इशू है, ये भी हम अपनी रिकमेंडेशन करके एडीसी सर को, जो कि कम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको सबमिट कर देंगे। इसमें सर ये कहा जा रहा है कि बाकी एरियोज में इस तरह का मसाइल वहाँ पे सामने आया था, यहाँ पर हम उसको वैलिड करार दिए गए, तो यहाँ पर इस तरह का इशू क्यों सामने आया था? ये इशू पर्टेन करता है आरओ को। तो इनका जो इशू है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी इनके अपील को सुनने की है एडीसी साहब, मैं उसमें कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ इनकी अपील को सुनने का, मैं तो एक माध्यम हूँ इनकी अपील जो इनकी ग्रेवेंसी जो उनको पहुँचाने के लिए। तो वो एडीसी सर ने ही उसको देखना है कि वैदर ये इनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है नहीं है, वर्ड द लॉ से लॉ में अंगूठा वैलिड है नहीं है, जो भी है वो अपील एंड अथॉरिटी ने डिसाइड करना है, मैं उसमें अपने कोई भी कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ। बसोली से हाफिज कुरैशी, अलर्ट इंडिया न्यूज।